वेलकम बैक गाइस। आज का भी टॉपिक आपकी रिक्वेस्ट पर ही बना रहा हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एमटीपी किट को लेने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है और कैसे यूज करना होता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ, जो कि आपके रिक्वेस्ट से ही ये वीडियो बना रहा हूँ। और इतनी सारी रिक्वेस्ट आई थी, हालांकि बहुत टाइम निकल चुका है, लेकिन स्टिल अभी भी आपकी डिमांड आ रही है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज़ देखिए, जो एमटीपी किट है या अनवांटेड किट या मेफेजेस्ट किट है, उसमें आपको 5 टैबलेट्स मिलती हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, और जो फर्स्ट टैबलेट होती है मिफेप्रिस्टोन, जो कि 200 मिलीग्राम की होती है। पेंडिंग 4 टैबलेट होती है मिजोप्रोस्टोल की, और सिंगल टैबलेट होती है 200 माइक्रोग्राम की, टोटल हो गई 800 माइक्रोग्राम की। तो जो फर्स्ट टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन की, उसको आपको पानी के साथ लेना होता है, ठीक है। यूजली मैं सभी पेशेंट को यही बोलता हूँ कि भाई आपने जो है फर्स्ट टैबलेट दिन के समय लेनी है, ठीक है। तो सपोज करो कि आपने 8 बजे हल्का नाश्ता किया, हल्के नाश्ते में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे टोस्ट, ब्रेड, बिस्कुट, दलिया, खिचड़ी, दूध, जूस, कुछ भी आप ले सकते हो। तो सपोज करो कि सुबह आठ बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, 2 घंटे का गैप रखना है, आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, और फिर सुबह दस बजे आपको पानी के साथ में फर्स्ट टैबलेट मिफेप्रिस्टोन की लेनी होती है। पानी के साथ, जैसे हम लोग सिंपल टैबलेट लेते हैं, भाई मुंह में डाला, पानी पिया और टैबलेट को निगल गए, ठीक है। उसके बाद आपको 48 आवर का गैप रखना होता है। मान लीजिए कि आज आपने फर्स्ट टैबलेट ली है, तो कल को कुछ नहीं लेना, परसों को सुबह फिर से आपको सुबह 8 बजे हल्का ब्रेकफास्ट करना है, और फिर 10 बजे आपको क्या करना है, जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, हम जो 4 टैबलेट्स है उसको वजाइना के रास्ते से, योनि मार्ग से लेंगे। उसमें क्या करना होता है, तो इन टैबलेट्स को लेने से पहले 30 मिनट पहले आपको यूरिन पास करना होता है, ठीक है। और फिर 10 बजे आपको जो टैबलेट्स हैं वो आप चाहो तो एक एक करके अपनी वजाइना के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। भाई अब कितनी इंसर्ट करनी है, जितनी आपकी जो फिंगर है अंदर जा सके उतनी आपको इंसर्ट करनी है। कैसे लेनी होती हैं, तो जो टैबलेट है मिजोप्रोस्टोल, मान लीजिए कि आपने एक एक करके टैबलेट्स अंदर रखनी है, तो क्या करना है कि आपको पहले तो हैंड वॉश करना है, अच्छे से साफ सुथरा हाथ होना चाहिए आपका, और फिर आपको जो ये टैबलेट है ये यहाँ पर इस उंगली और इस उंगली के बीच में आपको रखनी है ऐसे, और फिर वजाइना में पुश करनी है, ठीक है। जितनी अंदर जाएगी उंगली उतना बेटर है, और आपको एक एक करके एक साथ 4 टैबलेट अंदर पुश करनी है, ठीक है। और पुश करने के बाद आपको कम से कम 1 घंटे तक लेटे रहना है, ठीक है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब आपको कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, वरना जो टैबलेट्स हैं वो बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। और जब आप इन टैबलेट्स को वजाइना के रास्ते से लोगे तो लगभग 30 मिनट के आसपास आपको क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब आपको जो पेन है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ ही आपको कुछ टाइम के बाद ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, और इस ब्लीडिंग को स्टार्ट होने में लगभग 4 घंटे का टाइम लग जाता है, कभी कभी 12 घंटे या कभी कभी 24 घंटे का टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपको कम से कम 1 घंटे तक लेटे रहना है, और 2 घंटे के बाद आप बैठ सकते हो और चल फिर सकते हो, ठीक है। ये जो मेथड है वजाइना से लेने का, ये सबसे मोस्ट रिलायबल मेथड है, और ये वर्क करता है। हम लोग जो ओरली मेडिसिन लेते हैं उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वजाइना के रास्ते से जब हम इन टैबलेट्स को लेते हैं तो बहुत अच्छा सॉलिड रिजल्ट देती हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम लोग नीचे से टैबलेट लेते हैं, वजाइना के रास्ते से ये टैबलेट लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग क्रैम्पिंग होती है, पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे समय पर आपके पार्टनर को आपके साथ रहना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। ये था सेकंड मेथड। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।